ओम शांति। आप सदा संपूर्ण स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आपका सद्विवेक सदा जागृत रहे और आपके मस्तक पर परमात्मा का आशीर्वाद का हाथ सदा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, सही क्या और गलत क्या, क्योंकि बदलते समय के अनुसार व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, सही क्या और गलत क्या, इसकी डेफिनेशन बदलती जा रही है। बहुत सारी चीज़ें जो पहले जिन्हें गलत माना जाता था, आज उन्हें नॉर्मल हम कहना शुरू कर दिया। जो चीज़ें कभी कभार होती थी, हम उन्हें नेचुरल कहना शुरू कर दिया। बहुत सारी बातों से हमने अपने आप को छूट दे दी। जस्ट स्ट्रेस है, टेंशन है, ओ इट्स नेचुरल। अगर हम इतना काम कर रहे हैं तो स्ट्रेस तो आएगा ही। गुस्सा करना, इट्स नेचुरल। गुस्से के बिना तो काम ही नहीं होते। गुस्सा नहीं करेंगे तो लोग कैसे सुनेंगे? गुस्सा करते हैं तो बच्चे सुनते हैं। तो गुस्सा इज नेचुरल। देरी से रात तक जागते रहना, इट्स नेचुरल, नॉर्मल। देर रात तक सोशल मीडिया पर अपना समय बिताना, इट्स नेचुरल। देरी से उठना सुबह में 10-11 बजे तक, इट्स नॉर्मल। स्मोक करना, ड्रिंक लेना, ओ दैट्स लाइफस्टाइल। अगर वो लाइफस्टाइल नहीं होगी तो लोग हमें ऑर्थोडॉक्स कहेंगे। कितनी सारी बातें जो बातें पहले गलत साबित होती थी, आज हमने उनको लेबल लगा दिया नॉर्मल, नेचुरल। अपने आप से पूछें, अपनी अंतर आत्मा से पूछें, Really, it's normal? Really, is it natural? कई बार हम ये भी कह देते हैं, मेरे फ्रेंड्स करते हैं ना, मेरे फ्रेंड्स ड्रिंक ले रहे, स्मोक कर रहे, देरी तक जागते हैं, देरी से उठते हैं। उनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखिए, उनकी आर्थिक सफलता देखो, बहुत अच्छी है, उनके सब काम हो रहे हैं, कहाँ भी कुछ कमी नहीं है जीवन में। तो मैंने मेरा आदर्श किस आधार से देखा? आर्थिक सफलता। उसके पास आर्थिक सफलता है, इसलिए मैंने उनकी गलत आदतों को भी स्वीकार कर लिया एज लाइफस्टाइल और लेबल लगा दिया। अगर हम देरी से उठे तो क्या हुआ? रात तक जागते रहे तो क्या हुआ? गलत काम नहीं है। तो हमने गलत आदतों को स्वीकार कर लिया, अनहेल्दी हैबिट्स को हमने अपना लिया। एक प्रश्न पूछूं, क्या आप ये आदतें अपने बच्चों को दे सकते हैं? नॉर्मल और नेचुरल कहकर दे सकते हैं? अपने आप से पूछो, अपनी अंतर आत्मा से पूछो, क्या यह सही है या फिर मुझे एक हेल्दी लाइफस्टाइल वाला, डिसिप्लिन वाला जीवन जीना है? क्या यही लाइफस्टाइल मुझे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस दे सकती है? अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ बार बार सुनो, क्योंकि वो आपका सच्चा मित्र है। और फिर देखो, नॉर्मल और नेचुरल और कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं आपके सामने आएंगे। हैप्पी डे।